तो आज के इस वीडियो के अंदर है हमारे पास जियो फाइबर। तो भैया मेरा नाम है मृत्युंजय और आज के इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी जियो फाइबर को लेकर कि क्या आप लोग को ये जियो फाइबर अपने घर के अंदर इंस्टॉल कराना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अभी 20 दिन से इसको इंस्टॉल करा के रखा है अपने घर के अंदर। और क्या इसका स्पीड मिल रहा है, क्या ये आप लोग को अच्छा है आपके घर के अंदर लगाने के लिए या आपके ऑफिस के अंदर लगाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे तीन ऐसे प्रोवाइडर हैं जो पूरे इंडिया में अपने इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है जियो, दूसरा आता है एयरटेल और तीसरा आता है BSNL। यहाँ पे हमारे पास जियो है, तो आज हम लोग जियो का फुल कंपेरिजन करने वाले हैं कि क्या आप लोग को इसको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। उससे पहले हमारे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करके 500 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करा लीजिए। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सारे कमेंट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। जियो फाइबर में आप लोगों को प्लान्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, और अभी तो 10 Mbps वाला भी प्लान आप लोग को देखने को मिल जाता है। 10 Mbps वाला आप लोग को प्लान आप लोग को देखने को मिलेगा 198 प्लस 18% GST के साथ। 30 Mbps वाले प्लान के लिए आपको 399 प्लस 18% GST के साथ देना पड़ता है। और बात करने यहाँ पे 100 Mbps, तो वहाँ पे आपको 699 प्लस 18% GST चार्ज देना पड़ता है। फिर बात कर ले 150 Mbps के लिए, तो वहाँ पे आपको 999 प्लस 18% GST के साथ देना पड़ता है। 300 Mbps की बात कर ले, तो वहाँ पे आप लोग को 1499 प्लस 18% GST चार्ज देना पड़ता है। और जो ये चार्ज देते हैं, सारे में OTT आप लोग को इंक्लूडेड देखने को मिलता है। लेकिन जो ये 30 Mbps का प्लान जो हम आपको बताया है 399 प्लस 18% चार्ज, इसके साथ कोई भी OTT प्लान आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ आपको OTT प्लान लेने के लिए 100 आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यानी कि 499 प्लस आपको 18% GST चार्ज। और जो 10 Mbps वाले का जो हम बताया है 198, उसमें भी आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 298 रुपीज़ प्लस 18% GST चार्ज। तो आप लोग को OTT एप्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जियो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आप जियो ज्वाइन डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को किसी भी टेलीफोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वाईफाई टू वाईफाई किसी को भी कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये फीचर्स किसी अदर ब्रांड में नहीं है। इंस्टॉलेशन बहुत ही फास्ट है, अगर आप अभी बुक करते हैं तो आपको आधे से एक घंटे में कॉल आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को कि यहाँ पे एक होता है प्रीपेड, एक होता है पोस्टपेड। प्रीपेड मतलब आप लोगों को 1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे राउटर और तार के लिए, जो आप लोग प्रीपेड में करेंगे। पोस्टपेड में आप लोग को कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। 6 मंथ का आप लोग डायरेक्ट प्लान लीजिए और आराम से यूज़ कीजिए। लेकिन यहाँ पे प्रीपेड में ये है कि 2500 का आप लोग को प्लान लेना पड़ेगा, जिसमें आप लोग को 2 मंथ्स ही मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग को राउटर का चार्जेस एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि अगर उसका कनेक्शन कटवाना है तो आपको राउटर का चार्ज कटकर आपको सारा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। तो यहाँ पे पोस्टपेड का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आपको 6 मंथ के लिए प्लान लेना है या उससे ऊपर के लिए लेना है, तो पोस्टपेड को प्रेफर आप लोग कर सकते हैं। और इसका जो राउटर है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का राउटर है। जैसे इसके अंदर ही आप लोग को 2.4 GHz भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ इसके अंदर आप लोगों को 5 GHz का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं रहता है, एक लैंडलाइन केबल रहता है। और हाँ, सबसे पहली बात, अगर हम लोगों ने जब इसको बुक किया था, बुक करने के बाद जहाँ से इनके जो ऑपरेटर आते हैं वो लोग आए, कनेक्शन दिए भी, कनेक्शन हो भी गया। शुरू में तो 1-2 दिन स्पीड बहुत ही कम था, लेकिन धीरे धीरे जब कंप्लेन किए तो फिर अगले दिन आए तो स्पीड बढ़ाकर उसको 70-80 मतलब 100 के बीच में ही रहता है। मतलब इसका एक्यूरेट नहीं होता है। जियो जो ऐसा कंपनी है, जियो का 100 Mbps का प्लान 100 Mbps नहीं देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एयरटेल 100 का 100 देता है, 100 प्लस भी देता है, लेकिन जियो नहीं देता है। जियो आपको 80-100 के बीच में ही आपको स्पीड देगा। और हाँ, दूसरी बात है, अगर आपका इसका कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो जियो के जो ऑपरेटर है, जिनको भी कॉल कीजिएगा, वो नेक्स्ट डे आते हैं, सेम डे नहीं आते हैं। और ये चीज़ एयरटेल के अंदर नहीं है, एयरटेल में सेम डे ही आते हैं, यहाँ पे सेम डे नहीं आते हैं। 2 से 3 दिन बाद हमारा वायर टूट गया था। वायर टूटने के बाद हम लोगों ने कंप्लेन किया तो जियो फाइबर के मतलब कस्टमर केयर ने बोला कि आप लोगों को चार्जेस देने पड़ेंगे वायर के, तो ऐसे वैसे बहुत कुछ बोला गया। तो हम लोगों ने वहाँ पर कन्विंस किया कि नहीं मैम, मेरे कारण नहीं टूटा है। तो जाके ये हमारा वायर फिर से चेंज हुआ जो फ्री में लगा है, वरना हमारे से ये मांग रहे थे कि ये वायर का आप लोग को चार्जेस देना पड़ेगा ही पड़ेगा। बेस्ट है, मतलब अगर आप 30 Mbps का इसका प्लान लीजिएगा तो 30 अपलोडिंग मिलेगा, 13 आप लोग को डाउनलोडिंग मिलेगा। लेकिन 100 Mbps का लीजिएगा तो 100 में 100 नहीं मिलता है, 80-100 के बीच में रहेगा। लेकिन हाँ, 150 Mbps का प्लान लीजिएगा तो 150-150 आपको पूरा देखने को मिलेगा, 100 Mbps वाले में 100 Mbps आप लोग को नहीं देखने को मिलता। इसी बात को पूरे अच्छे तरीके से हम लोग बताना चाह रहे थे, और बहुत बार कस्टमर केयर से पूछने की भी कोशिश की है
वो लोग बोले कि सर इतने से इतने के बीच में ही आपका प्लान वैरी करेगा, कभी इससे नीचे नहीं जाएगा, कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमने बोला चलो हटाओ, अब 6 महीने के लिए इसको लगा ही चुके हैं इसके अंदर पैसा, तो फिर आगे क्या बात करना। तो भैया सारे क्वेश्चन का जवाब तो हम आपको इस पूरे वीडियो में नहीं दे सकते, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग को जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और हमारा जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।